इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि फ्यूरिन वर्सेस कील की फाइट में फ्यूरिन वाले जीत चुके हैं और वो सब वापस अपने घर जा रहे हैं और सभी काफी खुश लग रहे हैं, केवल साकुरा को छोड़कर। वो दुखी है क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे और वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे। मजाक था भाई मजाक। तो निरी जाग चुका है और वो पूछता है कि साकुरा कहां पर है। उसके बाद हम साकुरा को देखते हैं जो काफी उदास टाइप लग रहा है और सबसे अकेला पीछे आ रहा है। और जैसे ही साकुरा निरी को देखता है उसके सामने वो इमेज आती है जब निरी बुरी तरीके से पीट निरी साकुरा से बोलता है कि तुम काफी इंप्रेसिव हो, तुम अभी अभी हमारे ग्रेट कैप्टन बने हो और तुम ऑलरेडी हम सबको लीड भी कर रहे हो, तुमने हमारी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया, सच्ची में तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। लेकिन तभी साकुरा बोलता है कि मुझ में ऐसा इंप्रेसिव क्या है, मैं ही था जो बड़ी बड़ी डींगे मारा था कि मैं सब कुछ अकेला हैंडल कर लूंगा लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे उस बंदी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया जिसकी वजह से मैंने इजी फाइट को भी हार्ड बना दिया और सेकंड ईयर वालों को भी हमारी हेल्प करने के लिए आना पड़ा, मुझ में ऐसा इंप्रेसिव क्या है और तुम मुझे ग्रेट कैप्टन क्यों बोल रहे हो, यहां कि तुम भी पिटे हो और क्लास के बाकी बंदे भी घायल है, तुम कुछ भी कहो ये सब कुछ मेरी गलती है। लेकिन तभी अनसाइन बोलता है कि स्टूपिड मत बनो, अगर मैं अकेला होता तो नागटो को कभी वापस लेकर नहीं आ पाता, मुझे परवाह नहीं है कि बाकी लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते, लेकिन तुमने जो मेरी हेल्प की उन सब के लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूं। उसके बाद क्लास का एक बंदा बोलता है कि हम सबसे पहले पिटे हैं तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है साकुरा, और मित्सुकी बोलता है कि हम सब रिजल्ट से काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। उसके बाद तईका बोलता है कि ये हमारी भी रिस्पांसिबिलिटी थी कि हम उतना स्ट्रांग नहीं हो पाए जितना हमें होना चाहिए था, और मित्सुकी बोलता है कि क्योतारो को भी कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन क्योतारो यहाँ पे काफी परेशान है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि वो उमिचा का सामना कैसे करने वाला है। उसके बाद निरी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे शब्दों में ज्यादा वजन नहीं है लेकिन प्लीज अपने आप पे इतना बोझ मत लो साकुरा, हम फ्रेंड नहीं है क्या। उसके बाद सुओ बोलता है कि निरी और मैं भी वाइस कैप्टन थे तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद हम सेकंड ईयर वालों को देखते हैं जहाँ इनोमोटो बोलता है कि ये सब कुछ वैसा ही था जब काजी पहली बार ग्रेट कैप्टन बना था, उस समय हिरागी सा काफी डरावना था ना। लेकिन काजी बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि उस टीम को लेकर तुम्हारे थॉट क्या है। आगे काजी बोलता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि उस जैसा बंदा भी इतने सारे लोगों को इंस्पायर कर सकता है। उसके बाद हम कील का हेडक्वार्टर देखते हैं जहां सभी कील वाले बेहोश पड़े हुए हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा जाग जाता है और वो बोलता है कि अरे मैं इतनी दूर केवल इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुना कि वो फ्यूरिन के साथ कुछ करने वाले हैं। आगे वो बंदा बोलता है कि जैसे मैंने सोचा था फ्यूरिन तो उससे भी वीक निकली। आगे वो बंदा बोल रहा है कि हां ये भी सही है कि वो फर्स्ट ईयर वाले थे लेकिन इनकी भी कोई लिमिट होगी ना। आगे वो बंदा शायद साकुरा के बारे में बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि ये बंदा पक्का टॉप पर जाएगा। उसके बाद वो बंदा उठकर बाहर की तरफ जा रहा है और बोल रहा है कि मुझे फ्यूरिन के अगेंस्ट एक गुड कार्ड मिल चुका है और वो कील को बाय बाय कह रहा है। उसके बाद वो बंदा कील की जैकेट को फेंक देता है और हम उसका एक डेडली लुक देते हैं लंबे बालों के साथ, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं है। उसके हाथ में हम खतरनाक टैटू भी देखते हैं और उसकी बातों से लग रहा है कि वो फ्यूरिन को लेकर कुछ बड़ा करने वाला है। उसके बाद इनोमोटो उन सभी को किसी रेस्टोरेंट में लेकर आता है ये सोचकर कि उमिचा यहीं पर होगा क्योंकि उसे उमिचा को रिपोर्ट देनी है ना जो कुछ हुआ उसके लिए। उसके बाद हम उमी को देखते हैं जो होम टाउन के लोगों के साथ मस्ती कर रहा है और उसके साथ हिरागी भी है। उमी जैसे ही उन सबको देखता है बोलता है कि वेलकम बैक और इनोमोटो बोलता है कि सॉरी सर हमने आपको डिनर के टाइम डिस्टर्ब कर दिया। उमी बोलता है कि अरे नहीं तुम उसकी परवाह मत करो, मैं तो बस यहाँ पे इनकी कुछ सामान उतारने में हेल्प कर रहा था और अब यहीं फंस गया। एंड साकुरा बी लाइक ये सब क्या है। उसके बाद अनजाइन उमी को अपनी पूरी स्टोरी बताता है और उसे सॉरी मांगता है। उसके बाद उमी कहता है कि ठीक है मैंने सब कुछ सुना और तुमने एक बढ़िया काम किया है। तभी रेस्टोरेंट का मालिक वहां पर आता है और वो पूछता है कि बच्चो तुम्हें कुछ चाहिए क्या। लेकिन उमी बोलता है कि सर आप शोर तो है ना, हमने पहले ही आपके रेस्टोरेंट में काफी जगह घेर रखी है और अब आप हमें फ्री में खाना भी दे रहे हो। लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो तुम बस खाना खाओ। उसके बाद अनजाइन बोलता है कि बस इतना ही, मैं ही था जिसने अपने पर्सनल इशू में फिरिन को शामिल कर लिया था। फिर उमी बोलता है कि हां लेकिन नागटो तुम्हारा दोस्त है ना तो ऑफ कोर्स फिरिन को आगे आकर तुम्हारी हेल्प करनी पड़ती। फिर से अनजाइन बोलता है कि लेकिन मैंने अपने संपाई को भी इसमें शामिल कर लिया था। फिर उमी बोलता है कि ये सब उनका काम है कि वो अपने जूनियर्स पर नजर रखें। उसके बाद हम देखते हैं कि नागटो अपने घुटनों पर बैठकर उमी से जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी मांगता है। तभी उमी नागटो को कुछ खाने के लिए देता है और बोलता है कि तुम पहले इसे खाओ और नागटो जैसे ही उस फूड को खाता है वो रोने लगता है। उमी पूछता है कि तुम्हें खाने का टेस्ट कैसा लगा और नागटो बोलता है कि मैंने काफी समय बाद कुछ टेस्टी खाया है। फिर उमी बोलता है कि तो इस टेस्ट को भूल मत जाना क्योंकि जब भी हमारी लाइफ हार्ड होती है हमारे पास खाने का स्वाद लेने का भी टाइम नहीं होता, लेकिन जब भी हम अपना खाना किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर करते हैं जो हमारी एंजाइटी को कम करता हो तो हमारा खाना और भी टेस्टी हो जाता है। आगे उमी बोलता है कि जो कुछ हुआ उसे हम बदल नहीं सकते और लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तुम बस केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पर उठाकर जी सकते हो। आगे उमी बोलता है कि और मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि कई सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारा आगे वेट कर रही है लेकिन जब भी वो आए ना तो तुम्हें याद होना चाहिए तुम्हारे खाने का टेस्ट कैसा था। ये इस बात
बात का प्रूफ है कि आप अकेले नहीं हो। उसके बाद उमी सभी को खाने के लिए बोलता है। उसके बाद निरी सेकंड ईयर वालों को देखकर बोलता है कि काजी सा आप सभी फाइट के बाद कितना सारा खाना खाते हो ना। उसके बाद हम साकुरा को देखते हैं जो अभी भी चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन उमी उसको देखता है और बोलता है कि क्या बात है साकुरा, तुम उदास क्यों लग रहे हो। फिर साकुरा बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी निरी बोलता है कि हम सब फाइट में कितना बुरी तरीके से पिटे हैं और साकुरा को लग रहा है कि इस समय उसकी गलती है। तभी साकुरा बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं बस यहाँ पे खुद से ही नाराज हो रहा हूँ। आगे साकुरा बोलता है कि मैं ही था जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन नॉर्मली मैं सब कुछ हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ कि मैं अपनी बॉडी को उस तरीके से मूव नहीं कर पाया जिस तरीके से मैं करना चाहता था। साकुरा की बात सुनकर उमी बोलता है कि तुम अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाए क्योंकि तुम अपने दोस्तों को पिटता हुआ देख रहे थे, और अगर ऐसा है ना तो इसका केवल एक ही रीजन है कि आप उन सबको पसंद करते हो। उमी की ये बात सुनकर साकुरा थोड़ा शाय फील करता है और बाकी बंदे भी चौंक जाते हैं। तभी साकुरा को टेबल से चोट लग जाती है और वो चिल्लाकर बोलता है कि तुम हमेशा ऐसी बकवास बातें क्यों करते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि उमी वहां पर जोर-जोर से हंस रहा है और सुओ बोलता है कि साकुरा अपने दोस्तों को पसंद करता है और निरी यहां पे कुछ चावल वगैरह मंगा रहा है। उसके बाद वो सारे उमी को बाय कहकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। उसके बाद उमी बोलता है कि हिरागी साकुरा की बात सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है। फिर हिरागी बोलता है कि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है और एक स्ट्रांग बंदा बनेगा देखना। उसके बाद हम देखते हैं कि अनजाइन नागाटो और साकुरा एक गार्डन में बैठे हुए हैं। तभी उनकी फ्रेंड तसुचिया वहां पर आती है और जैसे ही वो नागाटो को देखती है उसे पकड़ लेती है और उसे बड़े प्यार से बार बार मारे जा रही है। वो बोलती है कि तुम दोनों इडियट हो, तुम्हें कितनी चोटें लगी हुई है, और वो रो के बोलती है कि वेलकम बैक। उसके बाद वो दोनों अनजाइन को गले लगाकर रोने लगते हैं। साकुरा उनका मेलोडी ड्रामा देखकर वहां से जा ही रहा होता है, तभी तसुचिया बोलती है कि रुको मुझे अभी भी तुम्हारे नाम के बारे में कुछ नहीं पता। तभी अनजाइन बोलता है कि वो साकुरा है और तसुचिया साकुरा को जो कुछ भी किया उन सब के लिए थैंक यू कहती है। तभी साकुरा बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बस अपना प्रॉमिस पूरा किया। उसके बाद सीन आता है अगले दिन का, जहां पर हम अनजाइन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर मजे कर रहा है और अपना खाना भी शेयर कर रहा है। मित्सुकी बोलता है कि मैं काफी खुश हूँ कि अनजाइन अब बेटर फील कर रहा है। तभी अनजाइन निरे से साकुरा के बारे में पूछता है, लेकिन निरे बोलता है कि मुझे नहीं पता और वो मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा। अनजाइन बोलता है कि उसके साथ क्या हुआ, वो आज आया क्यों नहीं। तईगा बोलता है कि शायद वो सो रहा होगा, लेकिन मित्सुकी बोलता है कि अभी लंच ब्रेक होने वाला है, क्या वो दोपहर के बाद सोएगा। अनजाइन बोलता है कि वो लड़ाई के बाद भी काफी उदास था, मुझे उसकी चिंता हो रही है। तभी निरे बोलता है कि एक मिनट रुको, साकुरा को हम फोन करते हैं ना। उसके बाद निरे साकुरा को फोन करता है और बोलता है कि हेलो साकुरा, क्या हम फोन पे बात कर सकते हैं। पर पता नहीं क्यों निरे को साकुरा की आवाज थोड़ी बहुत अजीब लगती है और उतने में साकुरा फोन काट देता है। अनजाइन बोलता है कि क्या वो ठीक है, ऐसा लग रहा था कि वो सो रहा था, वो भी इस टाइम। उसके बाद निरे बोलता है कि मुझे लग रहा है कि साकुरा को सर्दी हो गई है, और ये बात सुनकर सारे बंदे बेचारे परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि निरे और सुओ जा रहे हैं साकुरा के घर पर, वो भी काफी सारा सामान लेकर। तभी निरे बोलता है कि हमने कुछ ज्यादा तो नहीं ले लिया ना, हम वैसे भी किसी ट्रिप पर तो नहीं जा रहे ना। लेकिन सुओ बोलता है कि देख यार, साकुरा को लेकर वो सभी काफी परेशान थे और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे वो बार बार आए और साकुरा को परेशान करे। फिर निरे बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि साकुरा का जो घर है वो स्कूल से तब पास होगा। उसने कहा था कि वो दूसरे टाउन से आया, तो मुझे हमेशा से लगा कि उसका घर स्कूल से काफी दूर होगा। आगे निरे बोलता है कि मैं सोच रहा था कि साकुरा ने इस स्कूल में एडमिशन इसलिए लिया क्योंकि उसके पेरेंट्स को किसी और जगह पर जाना था जॉब करने के लिए। वो बोल रहा है कि अगर एक बार हम वहां पहुंच जाए ना तो हमें सब कुछ पता लग जाएगा। उसके बाद वो दोनों फाइनली साकुरा के घर पर पहुंच चुके हैं और जैसे ही निरी उस घर को देखता है ना, वो बोलता है कि भाई ये तो हॉन्टेड हाउस लग रहा है मुझे। सुओ बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे ये बैचलर्स के लिए कुछ अपार्टमेंट टाइप लग रहा है। उसके बाद वो साकुरा के रूम पे जाते हैं और बेल बजाते हैं, लेकिन बेल तो टूटी पड़ी है। तभी सुओ बोलता है कि डोर तो नॉक नहीं है, लेकिन निरी बोलता है कि रुको यार, हम किसी के घर में ऐसे थोड़ा घुस सकते हैं। फिर सुओ बोलता है कि देखो यहाँ पर साकुरा के शूज भी रखे, और वो दोनों अंदर घुस जाते हैं। सुओ बोलता है कि हेलो साकुरा, तुम कहाँ पर हो, और निरी बोलता है कि वो सच्ची में यहीं पर रहता है ना। सुओ अभी भी साकुरा को ढूंढ रहा है और वो बोलता है कि परेशान करने के लिए सॉरी, लेकिन निरी बोलता है कि भाई हमें पहले ही है ना बिना पूछे अंदर नहीं घुसना चाहिए था। उसके बाद सुओ निरी की मजे लेने के लिए बोलता है कि देख यार, हमने जो कुछ भी देखा है ना उसके अकॉर्डिंग साकुरा घर पर अकेला था, और इससे भी बुरी बात है कि उसे कोल्ड हो रखा है और वो चल फिर भी नहीं सकता। और वो बोलता है कि सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो में तुम्हें क्या लगता है उसके साथ क्या हुआ होगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि निरी बुरी तरीके से डर चुका है और वो सोच रहा है कि वर्स्ट केस सिनेरियो कहीं वो मर तो नहीं गया। तभी पीछे से साकुरा आता है और वो बोलता है कि कौन किसी के घर में घुसकर चिल्लाना शुरू कर देता है, और तभी निरी साकुरा को देखकर डर जाता है और वो बोलता है कि भूत। लेकिन सुओ बोलता है कि ये साकुरा है, वो जिंदा है और ठीक भी है। लेकिन इतने में साकुरा को चक्कर आने लगते हैं और जैसे ही वो गिरने वाला होता है ना, निरी उसको पकड़ लेता है। साकुरा बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। निरी बोलता है कि हम तो आपको देखने के लिए आए थे, और सुओ बोलता है कि तुम तो वाकई में बीमार लग रहे हो। सुओ साकुरा से बोलता है कि माफ करना कि हमने तुम्हें जगा दिया, चलो हम तुम्हें तुम्हारे बेड पर वापस छोड़ दे। लेकिन साकुरा बोलता है कि मुझे
धक्का मत दो। और सुओ निरे से बोलता है कि क्या तुम वो सामान ला सकते हो जो हमने खरीदा था। उसके बाद हम देखते हैं कि बेचारा बीमार साकुरा वापस अपने बेड पर सोने के लिए जा रहा है और सुओ उसे पूछता है कि क्या तुम अकेले रहते हो, और साकुरा बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है। आगे सुओ बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई कोल्ड मेडिसिन है क्या, क्या हम तुम्हारे लिए लेकर आए। फिर निरे बोलता है कि खाने को लेकर तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या खाना चाहते हो। उसके बाद सुओ बोलता है कि साकुरा तो खाने से इनकार कर रहा है और वो हमारा जवाब भी नहीं दे सकता। और निरे मन मन में सोच रहा है कि साकुरा ऐसी जगह पर अकेला कैसे रहता है, उसके साथ हुआ क्या है। उसके बाद सुओ निरे से कहता है कि क्लास के बाकी लोगों ने जो चीजें भेजी है ना साकुरा के लिए वो उसे दे दो। निरे साकुरा से बोलता है कि वो वाकई में तुमको लेकर परेशान है, वो उम्मीद कर रहा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। आगे निरे बोल रहा है कि मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम यहाँ पर अकेले रहते हो तो ये तुम्हारे लिए काफी जरूरी है, इसलिए प्लीज आपको हम सब पे और भरोसा रखना चाहिए। उसके बाद साकुरा बोलता है कि इट्स फाइन, मैंने हमेशा से ऐसी चीजों को अकेला मैनेज किया है, मुझे बस थोड़ी नींद चाहिए और मैं ठीक हो जाऊंगा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसके बाद सुओ बोलता है कि हमने अपना काम कर दिया है और उसे सारे गिफ्ट भी दे दिए, तो आप हमें उसे और परेशान नहीं करना चाहिए, चलो घर चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। और जाते जाते सुओ साकुरा से बोलता है कि अपना ख्याल रखना और अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना तो हमें मैसेज कर देना। उन सबके जाने के बाद साकुरा पानी पीने के लिए उठता है और वो देखता है कि भाई क्लास के बंदों ने उसे कितने सारे गिफ्ट भेजे हैं, और वो सोच रहा है कि मैं हमेशा ऐसी चीजों को अकेला मैनेज करता था, मैंने कभी किसी की हेल्प नहीं ली ऐसे कामों को करने के लिए। उसके बाद साकुरा बार बार अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा है और वो बात ना ओमी की एक साथ रहने वाली उसके बारे में भी सोच रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और इतने में ही वहां पर आ जाती है गोटुआ और वो सीधा ही अंदर घुस जाती है। वो साकुरा को देखकर बोलती है कि सॉरी मैंने तुम्हें कहीं जगह तो नहीं दिया ना। उसके बाद हम निरी और सुओ को देखते हैं जहां निरी बोल रहा है कि रुको सुओ हम यहां से क्यों जा रहे, क्या तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। फिर सुओ बोलता है कि देख यार मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसके रूम को देखकर और उसकी हालत को देखकर लग रहा है कि वो काफी टाइम से अकेला रह रहा है और यही रीजन था कि हम वहां से आ गए। आगे सुओ निरे से बोलता है कि मान लो कि तुम खो जाओ और अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम्हें एक चीज मिल सकती है तो तुम क्या चाहोगे। फिर निरे बोलता है कि मेरा फोन, क्योंकि मैं उसे ढूंढ सकता हूं कि मैं कहां पर हूं। उसके बाद सुओ बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें स्मार्टफोन यूज करना आता है। आगे सुओ बोलता है कि अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज दी जाए जिसे तुम्हें यूज करना नहीं आता तो हालात और भी खराब हो सकते हैं ना। और जहां तक साकुरा की बात है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसे स्मार्टफोन के बारे में कुछ पता होगा, और यूज करने की बात तो फिर भूल ही जाओ। और ये बात यहाँ पर दोस्ती के लिए भी अप्लाई होती है, क्योंकि वो अभी काफी वीक है इसलिए वो अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर सकता, वो भी किसी ऐसी चीज को हैंडल करने के लिए जो उसके लिए नॉर्मल नहीं है। आगे सुओ बोल रहा है कि अगर वो कल भी स्कूल नहीं आया ना तो हम दोबारा उससे मिलने जाएंगे। उसके बाद निरे बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो फ्रेंडशिप के बारे में सीखे, अगर उसको ये एहसास नहीं है ना कि वो कहाँ पर है तो वो इसका यूज कभी नहीं कर पाएगा। आखिरकार मैं चाहता हूँ कि वो अपने दोस्तों पर भरोसा करे और हम उसकी देखभाल करें, इसलिए साकुरा जब भी किसी परेशानी में होना तो हम उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर आ सकते हैं। आगे निरे बोलता है कि मैंने साकुरा से प्रॉमिस किया है, मैं उसको तब तक रास्ता दिखाऊंगा जब तक कि वो स्कूल के टॉप पर ना पहुंच जाए, लेकिन साकुरा हमेशा से ये अपना रास्ता खुद बनाता है, इसलिए मैं कम से कम ये आशा करता हूँ कि जब भी वो किसी मुसीबत में पड़ जाए या कहीं पर खो जाए तो मैं उसकी हेल्प कर सकूं, मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ कम से कम थोड़ी सी। तभी हम कोतवा को देखते हैं जो निरे और सुओ से बोलती है कि क्या तुम अपना राउंड लगा रहे हो, और तभी निरे कोतवा के पास भाग कर जाता है और उसे बोलता है कि साकुरा मुसीबत में, उसे सर्दी लग चुकी है।